हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैं चली गई थी अनुशक्ति नगर, मुंबई का अनुशक्ति नगर यानी कि BARC कॉलोनी, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर कॉलोनी, और वहाँ पर है हमारे एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल। जैसा मैंने आप सबको बताया था कि AEES एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर TGT PGT BRT की वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने वहाँ पे किया जाकर के एग्ज़ाम दिया। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से वहाँ पहुँची और उसके बाद कितने बजे से एग्ज़ाम शुरू हुआ, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको ये पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जो BARC है उसका ही जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है, और एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर नहीं लेती है। वो पहले एक रिटन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद शॉर्टलिस्ट जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाते हैं, और जो भी कैंडिडेट स्किल क्वालिफाई कर जाते हैं उनको वो जॉब मिलती है, वो भी 11 मंथ्स के लिए। आफ्टर 11 मंथ फिर से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, मुंबई के अनुशक्ति नगर में एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के 6 स्कूल्स हैं। अनुशक्ति नगर के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो ये कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें BARC के एम्प्लॉयज ही रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं और हॉस्पिटल भी हैं, बैंक भी है। इसका अंदर मतलब अनुशक्ति नगर जो है वो 140 एकर्स में पूरा ये एरिया है। इसमें खुद का ट्रांसपोर्ट भी है, इनका खुद के बैंक भी हैं। इस सोसाइटी के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो जब हम एग्ज़ाम देने गए तो मैंने किस तरीके से वहाँ पर मैं पहुँची और कैसे एग्ज़ाम हुआ, वहाँ क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन थे, और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने क्या किया, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के में शेयर किया। सुबह मॉर्निंग में घर से निकलते टाइम मैं हो गई थी थोड़ी सी लेट, तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। फिर जब मेरी लोकल पहुंच गई मुझे लेकर के नेरुल स्टेशन, तो मुझे लगा कि हाँ मैं अब टाइम पे हूँ और मुझे नेरुल से मानखुर्द जाने वाली लोकल ट्रेन टाइम से मिल जाएगी। क्योंकि आज संडे था तो मेगा ब्लॉक भी था, तो मुझे डर लग रहा था कि मेगा ब्लॉक में मुझे टाइम से ट्रेन लेकर के जाएगी कि नहीं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था वो 8:30 to 10 था। तो वहाँ जा कर के मुझे पता चला कि मुझे मानखुर्द जो जाने वाली ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँच करके मैंने सबसे पहले देखा टाइम, तो हो रहा था 6:58। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपने टाइम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाऊँगी। तो हम जिस जगह खड़े हैं वो है, उस जगह आने वाला है लेडीज़ कोच। तो ट्रेन आने के बाद हम लोग इसमें बैठ गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग की ट्रेन थी तो कुछ ज़्यादा हमें भीड़ नहीं मिली। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर का जो सी व्यू दिख रहा था उसका मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि नेरुल से मानखुर्द के बीच में 2 ही स्टेशंस पड़ते हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ी डिस्टेंस नहीं है। नेरुल के बाद पड़ता है सानपाड़ा, सानपाड़ा के बाद पड़ता है आपका वाशी, देन वाशी के बाद आपका आ जाता है मानखुर्द, और ये नवी मुंबई के स्टेशन से। तो उसके बाद मैं आराम से पहुंच गई मानखुर्द स्टेशन, और ये देखिए इस वाले कोच से मैं बाहर आई हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे टाइम क्या हुआ, टाइम हो रहा था 7:22 और अब मुझे निकलना था बाहर, और मुझे जल्दी से पहुंचना था अनुशक्ति नगर, क्योंकि मुंबई के अनुशक्ति नगर में ही एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल्स हैं। तो बाहर आके ये देख सकते हो आप मानखुर्द स्टेशन है, तो मैंने देखना शुरू कर दिए ऑटो जो हमें ले जाएंगे अनुशक्ति नगर। उसके बाद एक ऑटो मुझे मिला और वो मैंने हायर कर लिया, और हम जाने लगे अनुशक्ति नगर के लिए। जिन लोगों को अनुशक्ति नगर के बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं, अनुशक्ति नगर जो है वो BARC कॉलोनी है यानी कि भाभा एटमिक रिसर्च कॉलोनी। इस कॉलोनी के अंदर भाभा एटमिक रिसर्च से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ ही रह सकते हैं, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। तो जब हम जा रहे थे तो ऑटो वाले भैया ने मुझे बताया कि जो अनुशक्ति नगर है वो 140 एकड़ से
ज़्यादा एरिया में है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो अनुशक्ति नगर है वो उसी के अंदर उनकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और फिर हम पहुंच गए स्कूल, आप देख सकते हो ये है गेट, भैया ने मुझे यहाँ गेट पे छोड़ दिया। फिर हम पहुंचे अंदर, तो अंदर हमें बना क्यू बनाने को बोला गया। फिर मैम ने आके इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं वो सबमिट कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। और फॉर्म फिल करने के बाद मुझे बताया मैम ने कि अब हमें जाना है एग्ज़ाम हॉल की तरफ। कि एग्ज़ाम हॉल की तरफ मैं जा ही रही थी तो मुझे दिख गया ये सुंदर सा प्यारा सा एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में जो ये आप ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की फ़िश देख रहे हैं ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और भी फिशेस थी ऑरेंज कलर की, पर वो ऑरेंज ब्लैक वाला शेड नहीं था, तो मैंने इसका वीडियो शूट कर लिया। और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हमारे मोबाइल्स और सारी चीज़ों को, बैग वैग को सबको लॉक करने का। तो फिर हमने ये सारी चीज़ें लॉकर में रख दी। एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद मुझे लगा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था। एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही इजी थे और KVS के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही थे। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अनुशक्ति नगर थोड़ा सा देख लिया जाए। वैसे तो इतना बड़ा एरिया है कि मैं उसे पूरा घूम ही नहीं सकती थी, और मुझे तो ऑटो चाहिए था स्टेशन जाने के लिए, तो मैं वो भी देख ही रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हैं फ्लैट्स। जितना मुझे पता है या मुझे पता चला ऑटो वाले भैया से, अनुशक्ति नगर में ये है सब्जी मंडी जो कि दो चार बिल्डिंग्स के बीच में लगती है। उसके बाद आप देखिए, मैं थी टेंपल एरिया में, तो ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये काली माता का मंदिर है और ये 1983 में बना था। ये इतना पुराना मंदिर है लेकिन देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर जो मोस्टली मैंने देखा, जो भी दादाजी थे या दादी थी, वो लोग अपना पूजा वूजा कर रहे थे। और ये था अगला टेंपल हमारा, इसे बोलते हैं स्वामी नारायण अप्पा टेंपल। उसके बाद ही इसके अगला टेंपल जो था, ये दिख जो दिख रहा है, ये है भगवान शिव का टेंपल। ये मैंने दूर से ही वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अनुशक्ति नगर की, तो यहाँ पर 9500 फ्लैट्स अवेलेबल हैं और इसी के अंदर इनका हॉस्पिटल भी अवेलेबल। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है हमारा शक्ति विनायक टेम्पल। शक्ति विनायक टेम्पल ऑब्वियसली भगवान गणेश जी का टेम्पल है। और अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये इतना सुंदर था कि मेरा तो मन नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का, बट मुझे घर जाना था, ट्रेन भी टाइम से पकड़नी थी, तो फिर मैंने इसका वीडियो बाहर से ही बनाया और मैं आगे बढ़ने लगी। और मैं अपना ऑटो देख ही रही थी कि फिर मुझे देखते देखते फिर मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ सोसाइटी को भी कि कैसी है। तो ये यहाँ के फ्लैट्स हैं जो अगर आप एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में भी अगर आप टीचर हो जाते हो तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको भी अवेलेबल हो जाएंगी। और इनकी ग्रॉसरी शॉप, इनके मेडिकल, इनका क्लिनिक सारी, और स्कूल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एंड जहाँ पर दोनों पार्टनर्स वर्किंग होते हैं उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर भी है, और डे केयर सेंटर अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो उन्हीं के होते हैं। फिर उसके बाद मैंने रिटर्न के लिए लोकल का कर ली, और आप देख सकते हैं मैं फिर से लेडीज कोच में बैठ करके वापस जा रही हूँ। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।